ओम श्री बृहस्पति नमः। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे बृहस्पति वार के दिन सुने जाने वाली बृहस्पति देवता की कथा। उससे पहले जानिए देव गुरु बृहस्पति के बारे में। ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि अंगिरा नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। इन्होंने अपने तपोबल से कई सिद्धियां भी प्राप्त की थी। महर्षि अंगिरा के ज्ञान की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन इतना ज्ञान और तपोबल होने के बाद भी महर्षि अंगिरा बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उनकी पत्नी स्मृति भी बहुत ही विचलित रहती थी। कुछ मार्ग न सोचते देखकर महर्षि अंगिरा की पत्नी ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या की। इतनी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव ने दोनों ही दंपति को पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन व्रत बताया। महादेव यानी ब्रह्मा देव ने कहा कि अगर वे पूरी आस्था और नियमों के साथ पुंसवन व्रत का संकल्प लेते हैं तो एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ समय के बाद दोनों एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। महर्षि अंगिरा के पुत्र के होने के कारण ही इस बालक का नाम अंगिरिका नंदन रखा गया, जो बाद में जाकर बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पिता की ही तरह अंगिरा नंदन बहुत ही ज्ञानी और भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने एक शिवलिंग का निर्मित किया। इससे शिवलिंग की घोर तपस्या की और प्रसन्न कर भगवान शिव ने अंगिरा नंदन को दर्शन दिए। तब भगवान शिव ने अंगिरा नंदन से कहा कि हे पुत्र, तुमने मेरा बहुत ही वृत तप किया है, इसलिए अब से तुम बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम धर्म और नीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करो। इस प्रकार देवों के देव महादेव ने बृहस्पति देव को देवगुरु की उपाधि दे दी और नौ ग्रह मंडल में भी स्थान दे दिया। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया, जो इस व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान देते हैं। मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में फिर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ज्योतिष में बृहस्पति को सूर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इससे भी ऐसे समझा जा सकता है कि सूर्य भले ही सभी ग्रहों में राजा हो, लेकिन गुरु के आने पर राजा को भी उसके आदर में खड़े होकर सम्मान करना पड़ता है। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर लेकर जाना। इसी प्रकार देव गुरु की किसी भी जातक को दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जाते हैं। अब सुनिए बृहस्पति देव की व्रत कथा। श्री बृहस्पति व्रत कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्राप्ति दानी राजा राज करता था। वो नित गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बात उस रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धरकर राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा से और रानी से भिक्षा मांगी। तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगी बाँस और न बजेगी बसरी। ऐसा कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन कराओ, प्याऊ लगावाओ, बनवाओ, मुसाफिरों को ठहरने के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका भी विवाह करा दो। ऐसा कोई भी काम करो जिसे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले। परंतु रानी पर उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ा।
कहने लगी कि महाराज आप मुझे कुछ मत समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जहाँ हर जगह बांटती फिरो। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना और अपने सिर को धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार ही वो करते करते रानी को केवल 3 ही बृहस्पति वार बीते हुए थे कि समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। अब भोजन के लिए राजा और परिवार तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी तुम यहाँ पे रहो, यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस तरीके से वो अपना जीविका व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा, कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजारा हो जाए। रानी की बहन के पास दासी गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सब कुछ बता दिया। रानी सुनकर रानी की सारी बातें को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ ना बोली, ये जानकर वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली कि बहन तुमसे क्या छिपाऊँ, हमारे घर में खाने का अनाज नहीं था। ऐसा कहते हुए रानी की आँखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही। बहन को विस्तारपूर्वक सुना अपनी कथा सुनाई। बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव की सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपने दासी को घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी और रानी ने कहने लगा कि हे रानी, हमको भी भोजन नहीं मिलता तो हम कई दिनों तक व्रत ही कर लेते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ लिया जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। अब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया, तब रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों ही बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव ने उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाले में पीला भोजन दासी को दे दिए। और भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुए और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति हो गई। रानी फिर से पहले की ही तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए। और जब जब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों से हमने ये धन
पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरा नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, किस हाल में होंगे, खोज खबर भी नहीं आई। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार भगवान का पूजन किया, उनसे प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर वो राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए और वो अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु वेश में वह स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकहाड़े के सामने आकर बोले, लकहाड़े, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंतन में मगन बैठे हो? लकहाड़े ने दोनों ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी कथा आत्मकथा सुनाई। महाराज जी, मेरी स्त्री बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरारत किया है, जिससे के कारण रुष्ट होकर तुम्हारी पत्नी का ये दशा हो गया। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, दो पैसे की चने मुनक्का ला कर भगवान का प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में मिलाकर शक्कर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चाताप सारे परिवार में सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांट कर ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकहारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिसे मैं उसकी खोज खबर मांग सकूं। साधु ने कहा कि लकारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुमको रोजाना से दुगुना धन प्राप्त हो जाएगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजा भी संपन्न हो जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा तो वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करती, लेकिन उसकी पत्नी ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इसी कारण वह ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मणी के घर एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान कर वो भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तब अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्गों में डाल देती। लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते, उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उन जौओं को साफ कर रही थी कि तभी वहाँ का मंत्री ने देखा कि कहा कि हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, लेकिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने अगर आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मुझे एक सोने का सूप दे दो। प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौट रही थी जब तो जौ बीन रही थी, तभी बृहस्पति देव ने कृपा से उसके उस सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई, उसे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देख कर मोहित हो गया और राजमहल में आकर भोजन जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने कहा कि जो लड़की घर का पता बताया और जो लड़की के घर में गया। मंत्री के सामने जाने पर राजा की ओर से निवेदन किया कि ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो जाए। इधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया।
एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा और तब सब हाल बता दिया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर आए, सभी हाल सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को ले आओ, मैं उन्हें ये विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर पुत्री के राजमहल पहुंचे। तब पुत्री ने माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल स्नान आदि कर भगवान विष्णु का पूजन किया करो, तब दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने उसकी एक बात न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन खा लिए। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग को ब्राह्मण भी सुखपूर्वक गए, इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतना ही कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहाड़ा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से दुगुना धन प्राप्त हुआ। गुड़ चना मिलाकर गुरुवार का व्रत किया और सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर का राजा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और सारे शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी भोजन ना बनाए, आग ना जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकहारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसी तरीके से राजा उसको अपने ही साथ लिवा लाया और राजा जब भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उनका नौलखा हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने निश्चित किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। और उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकहारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी मन से उसी सोचने लगे कौन से पूर्व जन्म के ये दुख प्राप्त हुए हैं, और उसे साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं कही, इसी कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करो, गुरु बृहस्पतिवार के दिन कारागारे के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उसे बृहस्पतिवार की पूजा कर लेना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जलखाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिले। लकहारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि ये राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। इस तरीके का रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर राजा को बुलाकर क्षमा मांगी और लकहाड़े को सुंदर योग वस्त्र आभूषण देकर विदा किए। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकहाड़ा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब अपने नगर में बहुत ही आश्चर्यजनक देखा कि नगर में पहले से अधिक भाग तालाब कुएं बन गए हैं, धर्मशालाएं मंदिर बन गई हैं। राजा ने पूछा सबके किसके हैं, सभी कहने लगे राजा, रानी और बांदी के हैं। राजा के आश्चर्य के से गुस्सा भी आया। रानी ने यह सब सुनी कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से कहा कि दासी देख हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जाओ। राजा की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ ले आना। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ये धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चित किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और एक दिन में 3 बार कहानी कहता। और एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चित कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से
के यहाँ जाने के लिए मार्ग में चला। उसने देखा कि एक आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं तो राजा रोक कर कहने लगा, अरे भाइयों मेरी बृहस्पति वार की व्रत कथा सुन लो। कुछ लोगों ने बोला कि लो हमारा तो आदमी मर गया है, तुमको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमियों ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा की कथा चना दाल निकाली और जब भी कथा आरंभ किया तो मुर्दा हिलने लगा और राजा थोड़ी देर में कथा समाप्त हो गई और राम राम कहकर वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। उसे देखकर उसे बोला कि भैया मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं चार हड़ैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरीके से राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और जब सब उसने देखा कि तो अपने पुत्र ने सब हाल बताया और पूछा तो बेटे ने हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उसने बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपना कथा अपने मेरे खेत पर चल के सुनाना। राजा ने कथा कही, किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया और बैल खड़े हो गए तथा राजा अब अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई की खूब मेहमानी हुई। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा और देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं तो राजा ने कहा अपनी बहन से, बहन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ही ऐसा है, पहले लोग यह भोजन करते हैं बाद में हर कोई कार्य करते, अगर पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। ऐसा कहकर देखने चली गई और कोई उसको एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अतः वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। मालूम हुआ कि उसने 3 रोज से कुछ नहीं खाया है। भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, कुम्हार तैयार हो गए और राजा बृहस्पतिवार के कथा उसके घर बुला जाकर कथा कहा तो लड़का ठीक हो गया। अब राजा की तो बहुत ही प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा कि बहन हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सासू से पूछी तो सासू ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जा क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने बोली, भैया मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जाएंगे। तो राजा बोले, जब बालक नहीं जाएंगे तो तुम चलकर क्या करोगी। हम बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का किसी को धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी को बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबको सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। 9 महीने के बाद गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है, मेरी बहन आए तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। राजा जब की बहन जब ये शुभ समाचार सुनकर आई तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन में जैसी कामनाएं होती हैं वो पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव महाराज की जय।